स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की एक स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच और इसके राइटर हैं पांजिकारा रफी। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली कई रातों की तरह शंकु सो नहीं पा रहा था इस रात भी। ही टर्न एंड टॉस्ट इन हिज बेड, बट इट वॉज नो यूज। टर्न एंड टॉस्ट का मतलब होता है करवट लेना। वो अपने बिस्तर पे करवटे ले रहा था, लेकिन ये सब व्यर्थ था। द मोर ही थॉट, द वर्स ही फेल्ट। वो जितना अधिक सोचता था, उसे उतना ही बुरा लगता था। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर मैट इन द डार्कनेस। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड एट ही कुड नॉट सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। और इसके बाद भी वो इतना ही अस्पष्ट देख पा रहा था जितना कि दिन में। आंखें बंद थी, रात का समय था, फिर भी देख पा रहा था का मतलब है कि वह विचारों में देख रहा था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। वो देख क्या रहा था? अपना कार्यालय, अपना ऑफिस जो सोना पड़ा हुआ था। हर कोई बाहर जा चुका होता है आराम करने के लिए या फिर लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड। और जो खिड़की है शीशे की, वह केवल आंशिक रूप से बंद है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इन साइड वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड ए पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन द बुक। और ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर टेबल पर, टेबल के किनारे पर कुछ मोटी मोटी किताबें हैं, वॉल्यूम्स मिस किताबें, और दूसरे किनारे पर एक पेन है और एक इंक बॉटल है, स्याही की बोतल है, और कुछ ऐसे ही लिखने पढ़ने की दूसरी चीजें भी हैं। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक। और इन सब के बीच एक सोने की घड़ी भी है, जिसकी जो चेन है, जो पट्टा है उसका, वो भी सोने का है। वो एक पुस्तक के ऊपर रखी हुई है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। खिड़की खोलो, हाथ बढ़ाओ 1 फीट अंदर तक और घड़ी उठा लो। स्ट्रेच आउट योर हैंड का मतलब है हाथ बढ़ाना। तो शंकु सोच रहा है कि हाथ, खिड़की खोलो, हाथ बढ़ाओ और घड़ी को पा जाओ। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। हर कोई तो लंच के लिए बाहर गया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफोर्ट, हिज कावर्डाइस एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु कुछ दिनों से ऐसा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसको याद आ रहा था अपने प्रयास, कि वो किस तरह का प्रयास कर रहा था। अपनी कायरता भी याद आ रही थी। और वेसिलेशन का मतलब हिचकिचाहट, और उसके जो हिचकिचाहट हो रही थी चोरी करने से, वह भी उसको याद आ रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से कर रहा था। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट द टाइम। उस समय दोपहर के समय जब लंच का समय होता है, उस समय उसने कार्यालय में कभी भी किसी को नहीं देखा था। एंड एट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन इसके बावजूद भी वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस। वह कांप जाता था और उसे महसूस होता था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा है। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। यही वह कारण था कि वो हर बार घड़ी लेने से पीछे हट जाता था, मतलब घड़ी नहीं लेता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। लेकिन अब इसको ज्यादा समय तक नहीं, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मतलब घड़ी ले लेना, ऐसा कुछ सोच रहा है। इफ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू एनीथिंग। अगर वह और आगे इसके बारे में सोचेगा कि घड़ी चुराएं न चुराएं, तो फिर वह कुछ भी नहीं कर सकता। ही माइट इवन ब्लर्ट
आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। यह भी संभव है कि जो सोच रहा है, इंटेंशन जो उसका विचार बनाया है, दुर्घटनावश किसी के सामने कहने दे, मतलब किसी सामने अपनी योजना बताने दे कि वो घड़ी चुराने के लिए सोच रहा है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वो कल घड़ी को ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, हो सकता है ना भी ले पाए क्योंकि पिछले कई दिनों सोचा है और नहीं ले पाया है। संकोच थॉट बिगेन टू लिंजर ओवर द हर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। अब जो शंकु के विचार हैं, उसकी जो जीवन की कटिली परेशानियां हैं, उस पर ठहर जाते हैं। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट पे, और अगले तीन दिनों में उसे उसकी पगार मिल जाएगी। 13 rupees फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए 13 rupees। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर, दुकान से जो उसने कुछ खरीदारी किया है उसके लिए उसको 4.5 rupees चुकाने हैं। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, और इसके बाद उसके पास 8.5 rupees बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और उसने जो 10 rupees फंड से लिए हैं पिछले महीने अपनी माँ के बरसी पे जाने के लिए, डेथ एनिवर्सरी मतलब बरसी, उसमें से उसने सिर्फ 5 rupees ही चुकाए हैं, उसको 5 rupees और चुकाने हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट एट 6 paise ए वीक, 6 paise ए रुपी ए वीक। फिर वो कहता नहीं, उसको सिर्फ 5 rupees नहीं लौटाने हैं बल्कि प्रति रुपया 6 paise प्रति सप्ताह की दर से ब्याज भी चुकाना है। एट द टी शॉप ही ऑर्ड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees। और वो जो चाय की दुकान है वहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में जो उसने खाया पिया है उसके लिए उसको 3 rupees चुकाने हैं। इन सब के अलावा कुछ और भी बकाया है, एरियर्स में बकाया जो 1.5 rupees है। ही ऑर्ड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड़ी एंड अदर ऑर्ड्स एंड इंड्स, और उसको अली को भी 6 rupees चुकाने हैं इसलिए कि उसने कुछ अतिरिक्त चावल बीड़ी और कुछ दूसरी सामग्रियां ली हैं। ऑर्ड्स एंड इंड्स मतलब दूसरी सामग्रियां। 1 month हाउस रेंट वाज 3 rupees, और 1 महीने का जो घर का किराया है वो भी 3 rupees है। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 paise 25 paise एंड 50 paise फ्रॉम सेवरल पीपल। इन सब के अलावा कुछ छोटे कर्ज भी हैं, जैसे 12 paise का, 25 paise का और 50 paise का, जो उसने अलग अलग लोगों से ले रखा है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वूमैन, और उसकी पत्नी ने उसको याद दिला दिया है कि उसको 2 rupees नहीं, उसको 1 rupee चुकाना है मछली वाले को। 2 दिन पहले ही उसने याद दिलाया था, यह भी बात वह सोच रहा है कि उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही बताया है कि मछली वाले को भी 1 rupee चुकाना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, और शंकु ने मानसिक रूप से सब कुछ जोड़ के जोड़ा कि उसे कुल कितना आवश्यकता है, कितने धनराशि की आवश्यकता है। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 rupees, और वह सिर्फ 8.5 rupees में क्या कुछ कर पाएगा। व्हाट ही ओड वाज 22 rupees 13 paise, व्हाट ही ओड वाज 22 rupees 13 paise। उसके जो कर्ज हैं वो तो 22 rupees 13 paise हैं, और उसके पास जो बैलेंस बचेगा वो 8.5 rupees का होगा, तो इतने में वो क्या कुछ कर पाएगा। ही हैड अदर नीड टू, और दूसरी आवश्यकताएं भी हैं।
He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए का कर्ज ले रखा है. This was out of the sum she had slowly saved up now, and then he ordered to buy a waist chain for the younger child. उसने बहुत धीरे धीरे करके 3 रुपए बचाए थे और उसने आदेश दिया था, कहा था कि एक वेस्ट चैन, एक कर्धनी खरीदना है अपने छोटे बच्चे के लिए. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और उसने उसको विश्वास दिलाया था, संकुच अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि अगले महीने वो उसका जो कर्ज ले रहा है चुका देगा. संकुच हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट. और जो शंकु का हृदय की धड़कन थी वह अनियंत्रित रूप से तेज हो गई थी. दो हिज ब्रेथ बीट ही कुड हियर द हर्स वॉयस ऑफ टी शॉप ओनर कौचुनी अलीज होलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापाओ हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड. और अपने हृदय की धड़कन के बीच वह सुन पा रहा था चाय वाले की कर्कश आवाज, तीखी आवाज, और जो इसका नाम था कौचुनी, और साथ ही साथ अली की खोखली हंसी भी सुन पा रहा था, और भलगर वर्ड्स मतलब बेहूदी गालियां, और साथ ही साथ इरिटेटिंग टॉक मीन्स गुस्सा दिलाने वाले बातें लोनापाओ की गुस्सा दिलाने वाली बातें और बेहूदी गालियां भी शंकु सुन पा रहा था. और ये लोनापावा कौन था? फंड का इंचार्ज था. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with stick gathered around a stray dog. वह पा रहा था अपने आप को कि वह कुछ इस तरह से इन लोगों की से घिरा हुआ है, जैसे कोचुमनी से और लोनापाओ से और अली से, ठीक इस तरह से जैसे कि कोई आवारा कुत्ता को कुछ शरारती लड़के डंडा लेके घेर लें. व्हाट ए हॉरिबल सीन. कितना भयानक सीन है. ये सब बातें शंकु सोच रहा है. तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता. अब बाकी पार्ट अगले वीडियो में. अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और अब वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं. फाइंडिंग इट अनबियरेबल शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक एंड थॉट. अब शंकु को लगा कि जो भी है बर्दाश्त से बाहर है. अनबियरेबल मतलब बर्दाश्त से बाहर. और उसने करवट लिया, अपने पेट के बल हो गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो. अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस मैं सुबह सुबह इसको कल ले लूँगा. विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज. क्या इसके बदले 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू. कम से कम 15 रुपीज या 15 रुपये तो मिल ही आएंगे. 15 + 8.5. 15 और मैं 8.5 जोड़ देंगे, दैट इज 23.5 रुपीज. तब 23.5 रुपये हो जाएगा. इट विल फेच मोर देन 15. और यह 15 रुपये से तो अधिक का ही बिकेगा. ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस. और इतने में वह अपने कर्ज को चुका पाने में समर्थ होगा और साथ ही साथ शांति से रहेगा. ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स. एक ऐसा जीवन जो कर्ज मुक्त हो. विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप. और यह सोच के उसने एक आराम से सांस छोड़ा और सो गया. इट वॉज मॉर्निंग. अब सुबह हो चुकी थी. व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, शंकु की वाइफ से जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर. शंकु की वाइफ ने शंकु के कंधे को हिलाते हुए बहुत ही सज्जनता से कहा, अभी सोते ही रहोगे. इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज. सूर्योदय हुए काफी समय हो गया. शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस. शंकु ने तुरंत ही अपना सिर उठाया. हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु. शंकु की जो पत्नी थी अपने छोटे बच्चे को ऊपर उठाई, जो उसके ऊपर रिंग रहा था, मतलब ऊपर उसको चढ़ने का, गोदी में आने का प्रयास कर रहा था. डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे. अब वो पूछती है कि क्या तुमको आज काम पर नहीं जाना है.
ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। और शंकु ने कहा कि हाँ जाना है, और कहते हुए वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन हरी वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच। उसने तेजी से आंगन की तरफ कदम बढ़ाए और ये साथ ही साथ देख रहा था जो सूर्य की किरणें थीं उसके छप्पर से, जो बांस के पत्तियों से छप्पर बना हुआ था, उसको भेद कर अंदर आ रही थीं पूर्वी तरफ से और अंदर प्रकाश किए हुए थीं। इसको देखते हुए वह तेजी से आंगन की तरफ बढ़ा। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हेयर एज यूजुअल। उसने अपना हाथ मुंह धोया समान तरीके से जैसा कि वो रोज धोता था। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स और अपने पोशाक को पहना, वर्किंग क्लोथ मतलब पोशाक जिसको पहन के लोग अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड। अब बस वो फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाई सम आइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो तुम्हें कुछ मलहम खरीदना है बच्चे के लिए। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम। और उसने एक आदेशात्मक दृष्टि शंकु के ऊपर डाली। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फास्टरिंग बॉडी वाज स्टीयरिंग एट हिम ए ग्रूसम वे। शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के शरीर पे जो फुंसियाँ हैं और जो मवाद से भरे हुए फोड़े हैं वह उसी को घूर रहे हैं बिल्कुल भयानक दृष्टि से कि तुम इसका कुछ कर क्यों नहीं रहे, इलाज क्यों नहीं करा रहे। वैसा कुछ उसने महसूस किया। फास्टरिंग मीन्स फोड़ा और सोर मीन्स फुंसियाँ। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस। एक क्षण तो चुप्पी में ही बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ आइंटमेंट शंकु आस्क लाइक ए फूल। शंकु ने बिल्कुल मूर्ख की तरह पूछा कि कैसा मलहम। आइंटमेंट फॉर द सोर्स कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी ने आगे कहा कि मलहम इन फुंसियों के लिए। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है, क्या तुमने बच्चे के शरीर पर फुंसियाँ नहीं देखी है। यस हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। अब शंकु ने पूछा कि कितने रुपए का मलहम लाना है। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का मलहम लाना है। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट। और हम इस मलहम को शरीर पर कम से कम 3 दिनों तक तो लगाएंगे। हम शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड। और शंकु ने हम एक हल्की सी आवाज़ मुंह से निकाला और सिर झुका के चलने लगा। प्लीज सी कॉल आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। और शंकु की पत्नी ने बहुत ही नर्म लहजे में बोली, प्लीज कृपया। शंकु लुक बैक। उसके कृपया कहने पर शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। अब उसकी पत्नी ने बहुत ही सज्जनता से कहा कि कृपा करके लौटते समय 2 पके हुए केले लेते आना शाम के समय जब तुम लौटना, तो क्योंकि रात में जब बच्चा चिल्लाने लगता है तो मेरे पास दूध भी नहीं है उसको देने के लिए। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। और वह खड़ी हो जाती है अपने ब्लाउज को बाएं हाथ से ऊपर खींचते हुए। द शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट। शंकु ने इस चीज़ को नोटिस किया, इस चीज़ पर ध्यान दिया कि उसका जो पेट है वो फुल आया है, खुल गया है। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे। शंकु वाज स्टंट। शंकु बिल्कुल अस्तब्ध रह गया कि अब दूसरा बंधन भी उसके ऊपर आ गया, मतलब फुले हुए पेट को देख के वो जान गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। और इससे उसे काफ़ी अचंभा हुआ और उसे लगा कि एक और बंधन उसके ऊपर आ गया। ही कस्ट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कोसा। एंड विथ ए डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और एक गहरी सांस छोड़ते हुए फैक्ट्री की तरफ, कारखाने की तरफ चल पड़ा। लिसन डू नॉट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंडेड हिम। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉक डाउन। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो कि भूलना मत। और ऐसा कह के उसने दोबारा याद दिलाया। शंकु ने अपना सिर हिलाया, नोडेड मतलब सिर हिलाना, और चलना जारी रखा, मतलब फैक्ट्री की तरफ चलता चला गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे दोपहर में घंटी जो थी बजी इंटरवल के लिए।
मध्याह्न भोजन के लिए एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स होटल्स आर टी शॉप फॉर लंच। हर कोई भागता है, कोई घर जाने के लिए, कोई होटल जाने के लिए, कोई चाय की दुकान के लिए, कोई लंच के लिए। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु केवल एकमात्र व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वो ऑफिस के पश्चिमी किनारे पर एक पिलर, एक खम्भे से सटा हुआ, उस पर झुका हुआ खड़ा था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस। उसका जो हृदय था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था, बिल्कुल अधीरता के साथ। द इफ्यू मोमेंट पास्ट द इंजीनियर ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आईज हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू गॉट आउट ऑफ द रूम क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही क्षण बीता था कि जो अभियंता था, इंजीनियर था, और इसका रिसॉर्ट मतलब छोटे कद काठी का था और मोटा सा था, और यह एक अंग्रेज था, और उसकी आंखें जो थीं बिल्ली जैसी थीं, और वह एक संगमरमर की मूर्ति की तरह लगता था, मतलब बिल्कुल गोरा था। रूम से बाहर आया और उसने दरवाज़ा को बंद किया और फिर चल दिया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। सामान्य स्थितियों में जैसा होता था, उसकी कलाई में कोई घड़ी नहीं थी, मतलब घड़ी को वह टेबल पे छोड़ के आया था। संकुच हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के हृदय में कुछ शांति महसूस हुई और आराम भी महसूस किया कि चलो भगवान की कृपा से भी घड़ी है, मैं उसे उठा सकता हूँ। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण और बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बॉडी इन साइड, और उसे कोई भी नजर नहीं आया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, वह कार्यालय की तरफ चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, और वह जो शीशे की खिड़की थी हमेशा की तरह पूर्ववत आंशिक रूप से बंद थी, मतलब आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और वह सोने की घड़ी टेबल पे थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हृदय गति थी वह तेज हो गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, और वह जो अंग्रेज है वह लंच के बाद लौटेगा और 4 बजे तक नींद लेगा। सिस्टा मतलब नींद लेना। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बॉडी अराउंड, यहाँ पे कोई नहीं। 1, 2, 3, 6 or 7 minutes पास्ट, 1, 2 करके 7 मिनट गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक ही शंकु ने सोचा। सपोज समवन सी मी, मान लो किसी ने मुझे देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसा पिछले कुछ दिनों हुआ था, पर जो अब उसको डर था, उस डर ने उसको आगे ढकेला। ही टुक ए फ्यू स्टेप लुक अराउंड, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, बट सा नो वन, लेकिन उसने देखा कि कोई नहीं है। Prompted again by urgent need, he walked towards the room. और जो उसकी अर्जेंट नीड थी, अत्यधिक आवश्यकता थी, उसने उसको मजबूर कर दिया और वह दोबारा रूम की तरफ लौट आया। Once again he looked around, एक बार उसने फिर चारों तरफ देखा। Nobody was there, वहाँ पे कोई भी नहीं था। A shudder passed through his vein, उसकी नसों में एक झंझनाहट गुजरी। Shudder मतलब झंझनाहट और vein में नस। His heart throbbed, उसका हृदय धड़का, तेजी से धड़का। Throb मतलब तेजी से धड़का। 1 second passed, 1 second गुजरा। He stretched out a hand and the gold watch वॉज इन इट, उसने अपने हाथों को फैलाया और उसके हाथों में घड़ी थी, मतलब उसने घड़ी पे हाथ साफ कर दिया।
Nervously, his eyes made a quick survey. और वह काफी घबराहट के साथ एक सर्वे किया, चारों तरफ नजर दौड़ाया. No one was there at all. वहां पे कोई नहीं था. Trembling, he put the watch in the pocket of his trouser. उसने कांपते हुए घड़ी को अपने ट्राउजर या अपने पैजामे के जेब में रख लिया. He held his breath and walked forward in haste. उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण रख किया और तेजी से आगे बढ़ा. After about 10 steps, he looked back. लगभग 10 कदम जाने के बाद उसने पीछे देखा, मुड़कर पीछे देखा. Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. तब उसने पाया कि कोई है जो तेजी से पूर्वी बरामदे की तरफ चला आ रहा है. Obviously, he was going to the timekeeper's office. निश्चित रूप से वह timekeeper office जा रहा होगा. He must have seen everything. वह निश्चित ही सब कुछ देख चुका है. Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate. संभवतः उसको इस बात की जल्दी है कि गेट पर जो वॉचमैन है उसको जाके सूचित कर दे जो कुछ उसने देखा है. Oh God, had he bungled? हे भगवान, क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दिया? शंकु stood like a pillar petrified. शंकु एक खंभे की तरह खड़ा रहा. पेट्रीफाइड मतलब जड़ हो गया, खंभे की तरह जड़ हो गया मतलब बिल्कुल हिलना डुलना बंद हो गया उसका. द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर. और वो जो घड़ी थी उसने पाया, महसूस किया कि उसकी जेब में एक अंगार की तरह जल रही है. इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स. और इसमें से चिंगारियां निकल रही हैं उसकी नसों में, चिंगारियां जा रही हैं घड़ी से निकलकर. उसने ऐसा महसूस किया. द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर. उसने महसूस किया कि पूरा संसार उसकी चारों तरफ नाच रहा है और जलता हुआ संसार नाच रहा है. फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड. और प्रत्येक कण से, संसार के प्रत्येक कण से आग या लपटें निकल रही हैं और उसके चारों तरफ हैं. नो सेट ऑफ कूलनेस एनीवेयर. और ठंडक या राहत का एहसास बिल्कुल नहीं है. एवरीथिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग. सब कुछ जल रहा है, बस जल रहा है. मतलब उसे बहुत ही बेचैनी, जब जलन होती है तो जो बेचैनी महसूस होती है ऐसा ही वो महसूस कर रहा था. ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर. तभी किसी ने कहा, भाई शंकु, यहाँ तुम खंभे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय. शंकु घुमा और झटके से देखा, स्टार्ट मतलब झटके से, और देखा कि माधवन उसके करीब खड़ा है. शंकु स्टैमर्ड आउट. शंकु हड़बड़ा कर, हकला कर बोला. स्टैमर्ड मतलब हकलाना. No reason for nothing. कोई कारण नहीं है, कोई बात नहीं है. Go on my liar, माधवन said with a laugh and walked away to his work. माधवन ने हंसते हुए कहा कि चलो झूठे कहीं के, और फिर अपने काम पर चला गया. He must have gone and reported the theft. My God. हे भगवान, वह निश्चित रूप से चोरी की जानकारी दे चुका होगा. Everyone probably knew about it. हर कोई इस चीज़ को जान चुका होगा कि चोरी हुई है और शंकु ने किया है. All 800 odd worker at the factory would surround him noisily. और जो इस कारखाने के 800 वर्कर हैं, 800 जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, उसको चारों तरफ से शोर मचाते हुए घेर लिए हैं. They would look at him in scorn. वे सभी उसको घृणा के साथ देख रहे हैं. स्कॉर्न मतलब घृणा. They would all remark with derision
और हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा है, चिढ़ाने वाली टिप्पणी कर रहा है, डेरियन मिस चिढ़ाने वाली थी थी और चोर चोर कह रहा है या चोर चोर कह के चिढ़ा रहा है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब उसको उस अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा एंड रिप्रीमेंडेड, फिर उसको डांटा फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, और वह उसको कितनी कठोरता से देखेगा, कितनी कठोर निगाहों से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, ठीक वैसे ही जैसे उसके एक सहकर्मी जिसका नाम वैकी है को बर्खास्त कर दिया गया था बस केवल एक पुराने से छाते को लेने के लिए या चुराने के लिए। ए कोल्ड फियर इंटर्ड संकुज हार्ट विच वॉज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट, एक ठंडी डर, एक ठंडक भरी डर शंकु के हृदय में समा गई और उसको उसका दम घुटने लगा इन अवसाद भरे विचारों को सोचकर। ये जो विचार उसके दिमाग में आ रहे थे इससे उसके हृदय में एक ठंडक ठंड भरी डर समाई और वो उसका दम घुटता हुआ शंकु ने पाया कि उसका दम घुट रहा है। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, और जो वह गार्ड है सुरक्षा कर्मी है वह टाइम कीपर ऑफिस पर इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसको पकड़ लेगा, मतलब जो सुरक्षा कर्मी है वो मुझे पकड़ लेगा, ऐसा शंकु सोच रहा है। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं इस तरह से तो खतरा है, मतलब टाइम कीपर ऑफिस की तरफ से नहीं जाना है। ही वुड पुट दिस बैक इन द प्लेस, वह अब इसको वापस अपने स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, एक जलता हुआ अंगारा जो उसको जला रहा था, स्कॉर्चिंग मतलब जलता हुआ, सिंडर मीन्स अंगारा, एक जलता हुआ अंगारा उसको जला रहा था, मतलब वह घड़ी जो उसके जेब में पड़ी थी महसूस कर रहा था कि उससे चिंगारियां निकल रही हैं और उसको जला रही हैं। बट देन ओह नो ही सेड टू हिमसेल्फ नो सेकेंड थॉट, लेकिन तभी वह कहा नहीं नहीं, उसने खुद को कहा नहीं अब कोई दूसरा विचार नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फाइनली उसने अपना विचार बनाया, मेड अप हिज माइंड मतलब अपना विचार बनाया, अंतुत गोत्वा उसने अपना विचार बनाया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, अब वह ऑफिस के रूम में था, कार्यालय के कक्ष में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और जो खिड़की थी वो अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा, नो वन वॉज देयर नो वन एट ऑल, वहाँ पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से उस सोने की घड़ी को निकाला। हिज हैंड ट्रिम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसकी जो उसका जो हाथ था पेड़ की पत्ती की तरह कांप रहा था, कांपा पेड़ की पत्ती की तरह कांपा जब उसने जेब से घड़ी को निकाला। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और इस समय उसको अपने घर की भी याद आ रही थी और जो उसके कर्ज थे जो चुकाने थे वो भी याद आ रहे थे। व्हाट वॉज टू बी डन, क्या करना था, क्या करना था, ये सोच रहा था शंकु। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, सफोकेटेड मतलब डिफिकल्ट टू ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम समवन वॉज रिटर्निंग, और उसके पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया और बिना सांस लिए आगे बढ़ गया। स्टूडेंट्स,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें।